अम्बाला में बाल संरक्षण की टीम ने 11 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया। बच्ची का पिता उसके साथ अमानवीय हरकतें करता था, उसके साथ जुल्म और सितम ढाया जाता था और उसे इस कदर पीटा जाता था जैसे जानवरों को पीटा जाता है। चाइल्डलाइन को जब इसकी सूचना मिली तो वह पुलिस की मदद से मौके पर पहुंची और बच्ची को कल देर रात वहां से रेस्क्यू करवाया गया। अम्बाला में चाइल्ड लाइन को रात 12 बजे के करीब शहर के हीरा नगर में एक बच्ची से मारपीट और उस पर जुल्म करने की शिकायत पड़ोसियों के द्वारा मिली, जिसके बाद बाल संरक्षण विभाग चाइल्ड लाइन ने संयुक्त रूप से पुलिस को साथ लेकर रेड की तो बच्ची को रेस्क्यू करवाया गया। बच्ची को रोजाना काफ़ी पीटा जाता था। बच्ची पर जुल्म उसका सौतेला पिता करता था। बच्ची अच्छे से चल नहीं सकती, लेकिन देर रात बच्ची पड़ोसियों तक पहुंची और सारी आप बीती बताई, जिसके बाद चाइल्ड लाइन को सूचित किया गया। पड़ोसियों ने बताया रोज बच्ची पर ऐसे ही जुल्म किए जाते हैं। बच्ची का सौतेला पिता बच्ची में भूत प्रेत होने की बात कहता है। मकान मालिक का नंबर दिया था तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर दोबारा इन्होंने मकान मालिक से बात की, आपको क्या प्रूफ चाहिए? तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, ये हम दे रहे हैं जो भी मांगते हो। तो आते ही ना ये ऐसे ऐसे मारते थे लड़की को, ऐसे नो से ऐसे मारते। तो खून एक दो बार खून निकाल दिया ना, तो मेरे को ना मैंने कहा जी मेरे को घबराहट होती है, आप ऐसे बच्चों को क्यों मारते हो? तो ये कह रहे हैं कि ये अगर आपको अच्छा लगता ना इसको अपने पास ही रख लो। बच्ची मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं है और किसी बीमारी के कारण अच्छे से चल भी नहीं सकती, लेकिन बच्ची ने बाल संरक्षण विभाग की टीम को बताया कि उसे लोहे की रॉड, डंडों और जूतों से पीटा जाता है। पिता ने पटक पटक इतना मारा कि सर के बालों का एक हिस्सा ही गायब हो गया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में मिर्च तक डाली जाती रही। बच्ची को बाथरूम जाने पर सौतेला पिता उसे दरवाजा खोल रखने पर मजबूर करता था। बच्ची ने यह भी बताया कि उसके सौतेले पिता ने उसका नाम स्कूल तक से कटवा डाला था। बच्ची की हालत देखकर हर किसी का कलेजा मुंह को आ जाए, लेकिन बच्ची की हालत पर ना तो माँ को तरस आया और ना ही सौतेले पिता को। बच्ची की हालत पर अगर तरस आया तो पड़ोसियों को आया, जिसके बाद बच्ची तक किसी तरीके से मदद पहुंच सकी। बच्ची पर भूत प्रेत का साया होने का बहाना बनाकर पीटा जाता रहा। बच्ची की मासूमियत पर हर किसी की आँख में आंसू आ जाएं, लेकिन सौतेला पिता को बच्ची से उसकी उम्र से ज़्यादा उम्मीदें थीं। बच्ची सौतेले पिता से इतना डरती थी कि अपने साथ हर वक्त गुरुद्वारे से लाए गए पानी को साथ रखती थी। बच्ची के माता और सौतेले पिता से बात की तो दोनों ने जमकर इमोशनल ड्रामा किया। सौतेले पिता ने सारे आरोपों को झुठलाया ही नहीं, बल्कि बच्ची को चालाक बता दिया और कहा उसे सब पता है, वो झूठे आरोप लगा रही है। उसने कहा बच्ची को एक्सरसाइज करने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं करती, घर से पैसे चोरी करती है, और कौन माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पीटते होंगे। माँ का इमोशनल ड्रामा तो यहाँ तक पहुँच गया कि उसने कह दिया कि वो आत्महत्या ही कर लेगी। सर कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा, अगर बेटी गलती करेगी, बच्चा गलती करेगा तो नहीं मारा जाएगा। मेरी एक बेटी हो रही, उसका भी आप स्टेटमेंट लीजिए, वो व्हील चेयर पे है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगी, अगर उसको नहीं डांटा जाएगा तो वो भी व्हील चेयर पे ही आ जाएगी, और ज़्यादा टाइम ही लगेगा। जब उसकी मैंने कस्टडी ली थी तो वो चल भी नहीं पाती थी प्रॉपर, यानी कि यहाँ से वहाँ तक जाएगी तो गिरेगी। जो मैंने प्रेशराइज करके उसको जो स्टिकनेस दिखा के उसके लिए जो उसको मैंने एक्सरसाइज कराई है, मैं अहम नहीं करता, ये बातें आज खुल रही हैं, तो वो चलने लायक हुई। आप मोहल्ले वालों से पूछो कि ट्यूशन जाती तो कितनी बार गिरती थी। उसको सिर्फ इतना बोला कि एक्सरसाइज कर, जो तुझे चाहिए वो मिलेगा, एक्सरसाइज चाहिए उस। नहीं जी, दोनों ही मेरी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए अपने से बढ़ के थी, इसलिए मुझे यहाँ पिंच हो रही थी कि अगर इतना किया गया उसके बाद ऐसा कुछ बोलेगा तो डर तो होगा। मैंने कोई बाल नहीं नोचे, ठीक है जी। वो उसने जो अपने आप दोनों लड़ते हैं वो चीज़ है, प्लस जब अड़े पड़ जाते हैं बाल खींचते हैं या मम्मी उनकी कंघी करेगी तब वो खींचे, मैं क्यों खींचूंगा? तो सर एक बार में थोड़ी ना खींच गए, एक बार में थोड़ी ना उतर गए होंगे, गुच्छे बना बना के उसको अलग बैठ दिया, इतना गंद, इतनी चीज़ें निकलती है नीचे से, हमें पता। सर आरोप तो अब आप उसको ऐसा है ना, मैंने तो सर एक मिनट, मैंने ये चैलेंज भी किया है कि 7 दिन उस बच्ची को रखे बाबा जी, जो खर्चा हुआ मैं दूंगा, आपको उसका सच और झूठ सामने आ जाएगा।
बोल रही हूँ, मुझे फक्र है कि यह मेरी बेटी है, मगर उस बताइए ना उसमें मेरा क्या कसूर। मेरा ये कसूर है कि मैंने दोनों को एक सा पाला है? नहीं, मेरा ये कसूर है कि अगर मैं उसको कहती हूँ कि तू बेटा एक्सरसाइज कर, आज वो यहाँ बैठी है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा मदद के लिए, हैं? आज वो उस हिसाब से करे। मैंने उस वो बेटी एलिगेशन सिर्फ इसलिए लगा रही है सर कि उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरा दिल दुखता है, मुझे तकलीफ होती है कि वो व्हील चेयर पे है, उसको ये समझ नहीं आ रही है कि मैं कितनी जल्दी मैं व्हील चेयर पे बैठ जाऊंगी और इतनी जल्दी हो जाऊंगी। सिर्फ एलिगेशन वो सिर्फ इसीलिए लगाए जा रहे हैं। ये भी तो है, एक साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें वो बच्ची खुद करती है। नहीं तो ये है, इसको मारती है, वो इसको मारती है सर, फिर भी हम उसको कहते हैं कि नहीं बेटा दीदी है, वो इसको मारती है, इसको बुरी तरह से मारेगी, उसको पूरे दिन एक गिलास पानी नहीं देगी अगर मैं जॉब पे जाऊंगी। जी मैंने आरोप, मैं किसी क्यों आरोप लगाए हैं जब एक बाप से बढ़ के कर रहा है, उसके लिए तो मुझे शर्म आनी चाहिए सर कि पूरे समाज में मुझे किस तरीके से कर रहा है। और ऊपर से आप लोग जिस हिसाब से ले रहे हैं ना, उस हिसाब से मुझे ये कल ये भी मौका नहीं मिलेगा कि हो सकता है कि मैं इनको रख भी पाऊंगी कि नहीं रख पाऊंगी। शायद मैं ही कुछ कर लूं, शायद मैं ही सुसाइड कर लूं सर, मैं ही सुसाइड कर लूं कि ताकि ये भी सड़क पे आ जाए, ताकि रोज रोज की बेइज्जती से भी छुटकी मिले। अब ये बताओ ना, मैं मेरी क्या कसूर? मेरा ये कसूर कि मैंने उसको पैदा किया? मेरा ये कसूर कि मैं उसको पाल रही हूँ, इसको पाल रही हूँ मैं, जिस हिसाब से उठा रही हूँ मैं, मुझे पता है कि वॉशरूम ले जाना, किसने करना, किस हिसाब से मैं कर रही हूँ। वो बच्चा नहीं समझ रहा, वो बच्चा नहीं समझ रहा, वो नहीं समझ रहा कि कल मेरी क्या कंडीशन होगी। ये जो सारे लोग उसके साथ चल रहे हैं, इनमें से कोई एक नहीं आएगा। बच्चों को उनके माँ बाप गलती पर डांटते भी होंगे, शायद पीट भी देते होंगे, लेकिन इतना जुल्म अपने जिगर के टुकड़ों पर कोई नहीं करता होगा। फिलहाल बच्ची को रेस्क्यू करवा लिया गया है और बच्ची का मेडिकल और जांच के बाद कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। मेरे पास तो चाइल्डलाइन कोऑर्डिनेटर की जो है वो कॉल आई थी 7:30 बजे के करीब, इनके पास रजिस्टर्ड हुआ था, पड़ोसियों ने रजिस्टर्ड करवाया था कि बच्ची को काफी जो है वो मारा पीटा जा रहा है और लड़की जो है वो पड़ोसियों के घर में ही रह रही है। तो अभी हमने लड़की को रेस्क्यू करवा लिया है और लड़की तो यही बोल रही है कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाना। लड़की ने ये भी एलिगेशन लगाए हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है मिर्च वगैरह जो है वो डाली जाती है। सुबह अभी हम लड़की का मेडिकल करवा के सुबह हम जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मीटिंग में जो है इस बच्ची का केस प्रोड्यूस करेंगे। आगे जो भी कार्रवाई बनेगी वो बाल कल्याण समिति द्वारा की जाएगी। बच्ची के फेस पे काफी जो है नाखून के निशान हैं, गर्दन पे हैं और टांग पे भी हैं। अभी बच्ची का प्रॉपर जो है वो मेडिकल होगा, कल ही आगे ही कार्रवाई जो है वो हो पाएगी। मैडम जी के साथ टेलीफोन आया था अभी, ऐसे एक लड़की के साथ उसके पेरेंट्स मार पिटाई कर रहे हैं, तो हम मैडम जी के साथ मेगा मैडम जी के साथ मौके पर आए हैं। तो जैसे इन्होंने लड़की से पूछताछ करी है, जो लड़की से पूछताछ करके इसका मेडिकल करा के जो हमारे को ये दरखास्त देंगे, उस हिसाब से हम कानूनी कार्रवाई करके तफ्तीश करेंगे। अभी तो उसने कहा कि मेरे बाल पाटते हैं, मेरे माता पिता जो है मेरे साथ बाल पाटते हैं और मार पिटाई करते हैं। तो मेगा मैडम जी ने पूछताछ करी है, जो हमारे को इस संबंध में मेडिकल करके रिपोर्ट देंगे, उस हिसाब से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। कह रहा है कि बच्ची की असली माँ का बच्ची के असली पिता से 3 साल से कोर्ट केस चल रहा है, जिसके कारण बच्ची की माँ किसी और के साथ 3 साल से रह रही है। ऐसे में बच्ची के साथ हो रहे जुल्म और सितम को देखकर हम बस इतना ही कहेंगे कि ऐसी कलयुगी माँ को कहीं डूब मरना चाहिए जो अपनी आंखों के सामने अपनी कोख से पैदा की हुई बच्ची पर ऐसे जुल्म और सितम देखती रहे। इतना ही नहीं, 3 साल से इन जालिम माँ बाप ने बच्ची को सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में रखा हुआ है और ये मीडिया के कैमरों के आगे इमोशनल ड्रामा करके सिर्फ अपनी सफाई दे रहे हैं। हम अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर आपको भी कहीं किसी बच्चे पर इस तरीके का जुल्म और सितम होता दिखाई दे तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9315348868 पर संपर्क करें या इसकी सूचना तुरंत नज़दीकी थाने या चाइल्डलाइन की टीम को दें।